भारत में तकरीबन हर बड़े उत्सव पर मेला लगता है। गांव और शहरों में भी आए दिन मेले लगते रहते हैं। मेला हमेशा एक बड़े मैदान पर आयोजित किया जाता है। उत्सव पर खास तौर पर हमारे देश में मेला लगता है। इसी श्रृंखला में हजरत बाबा ताजुद्दीन के सालाना उर्स के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मेले का आयोजन आरएस एंटरप्राइजेस की ओर से किया गया है। मेला के उत्सव की जान होती है। सभी लोग अपने परिजनों के साथ मेला देखने आते हैं। मेले में विभिन्न तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं। छोटे बच्चों को मेले में जाना सबसे अधिक पसंद होता है। यहाँ विविध तरह के मनोरंजन से भरे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी के साथ ही आरएस एंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित मेले में कई तरह के दुकानें सजी हुई है। इसी के साथ ही झूले और मेले का खास आकर्षण रहा है फिश टनल और फिश एक्वेरियम, जहां देश विदेश की मछलियां मेले में आने वालों के दिल को लुभा रही है। इसके साथ ही हमें मन को लुभाने वाले मनोरंजन दृश्य यहां देखने को मिलते हैं। मनुष्य प्रत्येक दिन अपने कार्य में व्यस्त रहता है। मनुष्य की थकान को मेला चुटकियों में दूर कर देता है। थोड़े ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय के लिए हम अपनी परेशानियों को भूलकर एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। ऐसे लोग जो मेला देखने आए हैं, उन्होंने मेले को काफी सराहा है। नागपुर शहर, नागपुर शहर ये विविधता से भरा हुआ शहर है। नागपुर शहर का इतिहास भी प्राचीन है। नागपुर शहर की कई ऐसी खासियत है, उसी में से जो है यहाँ की जो परंपरा जो है सर्वधर्म समभाव यहाँ मिलता है, देखने मिलता है। और सर्वधर्म समभाव के बात की जाए तो यहाँ जो है दीक्षा भूमि है, बाबा ताजुद्दीन का दरगाह भी यहाँ है, और जहाँ बाबा ताजुद्दीन के एक से एक बार सालाना उर्स भी चल रहा है, और उसी मौके पर आरएस एंटरप्राइजेज द्वारा मेले का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये मेले में, इस मेले में जो है हमें झूले दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ जो है एक्वेरियम भी यहाँ है, कई तरह के झूले हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि टॉवर झूला हो या ड्रैगन झूला हो। छोटे बच्चों के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हमें देखने मिल रहे हैं। एक्वेरियम जो या इस बार की जो खासियत हमें यहाँ बताई गई है जो है एक्वेरियम, ये भी नागपुर में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। एक्वेरियम जो किसी प्रदर्शनी में देखने मिला है तो इस वाले प्रदर्शनी में देखने मिल रहा है नागपुर वासियों को। तो इसी के साथ जो है यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप आकर कई चीज़ों की मतलब यहाँ पे लुत्फ़ उठा सकते हो, खरीदारी जो है कर सकते हो। शाम के समय अगर आप आना चाहते हो, कई समय बिताना चाहते हो और फैमिली के साथ आप यहाँ आकर पूरा मज़ा जो है इस मेले का ले सकते हो। आप देख पा रहे हो कि यहाँ कई लोग भी मेले में शामिल हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बारिश क्योंकि नहीं है और बारिश नहीं होने से लोग यहाँ जो है आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि छोटे बच्चों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, यहाँ हमें लोग जो है इस मेले का लुत्फ़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो तो इन लोगों से हम पूछते हैं ये मेला उनको कैसा लगा है। हजरत बाबा ताजुद्दीन का सालाना उर्स चल रहा है और उस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन आप यहाँ आए हो, कहाँ से आए और क्या खास लगा है इस मेले में आपको? मेले में यह है कि सबसे पहली बात, 101 साल पूरा हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि यहाँ पे सारे जो झूले है, सारे बाहर बाहर गाँव से लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। नागपुर में हर जन अपना हर चीज दिखाने आता है। मतलब हजरत ताजुद्दीन बाबा एक ये है, मतलब साल हो गए उनको, इतना अच्छा सब डेकोरेशन वगैरह सारी चीजें नागपुर में, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मेला कैसे लगा? मेले में जो भी हमें यहाँ दुकानें सजी दिख रही या झूले हैं, कैसा लग रहा है? फैमिली के साथ आए, कहाँ से आए? नहीं, हम सब कलीग से ऑफिस में, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब साथ में आए यहाँ पे और बेटर लग रहा है अभी। हम सब और ज्यादा झूले वगैरह सारे झूलेंगे और मजा आएगी बहुत सारी। मेरा नाम अक्षय है, मैं पांडरगढ़ से आया हूँ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बाबा का 101वां जयंती ये है, बर्थडे है, तो उसके लिए मैं मेरे फैमिली के साथ और हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है उनके साथ आया हूँ। यहाँ पे हर बार अच्छे तरीके से मेला लगता है और सारी चीजें अच्छे से होती है। यहाँ पे सुकून मिलता है, जैसे अपन ताजबाग में आते हैं या मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है, और यहाँ का नेचर और सारी चीजें बहुत ही अच्छी है। मेले के बारे में क्या बताओगे, मेला कैसा लगा है आपको? मेला तो एक नंबर है, जैसे कि मैं और मेरे फ्रेंड्स दोनों भी अभी जाने वाले हैं, उसका मनोरंजन और सारी चीजें अभी करेंगे। और यहाँ पे सब पब्लिक वगैरह बहुत ज्यादा है और सब मेले का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं उस चीज में। विशाखा घोड़मारे मेरा नाम है, मैं कापसी साइड से आई हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हर साल की तरह बहुत अच्छा है। आप ये मेले में आए हो, कहाँ से आए हो, मेला
कैसा लगा आपको? गोई से आई हूँ और ये मुझे इतना बहुत मस्त लगा, अभी तक कोई राइड ट्राई नहीं की है बट बहुत मस्त लगा। हमने ये मेला देखा है, बहुत मस्त है, यहाँ पे दुकानें भी बहुत मस्त है, यहाँ पे मतलब हर चीज लोएस्ट प्राइस में मिलती है और बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हो मेले में कई तरह की दुकानें हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ जो लेडीज की ज्वेलरी होती है उसकी दुकानें यहाँ हमें सजी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ है यहाँ पे प्यारी प्यारी चूड़ियां इस दुकान में हमें दिखाई दे रही है, इसके साथ ही जो है घर की जो घर की घरेलू चीजें रहती है वो भी यहाँ हमें दिखाई दे रही है और बहुत ही खास तरीके से इन्हें बनाया गया है। आप यहाँ बेलन देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रे देख रहे हैं, जो भी घर में चीजें रहती है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में उसका यूज होता है ऐसी चीजें बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ सजाई गई है, आप देख पा रहे हो। और इसका आनंद अगर आप लेना चाहते हो, इस मेले का आनंद लेना चाहते हो तो आपको ताजबाग परिसर में ये मेला लगा है, आप यहाँ आकर इस मेले का आनंद ले सकते हो, साथ ही साथ ये जो चीजें आपको दिख रही है इतनी प्यारी प्यारी ये भी आप यहाँ आके खरीद सकते हो। आप देख पा रहे हो कि कितनी सुंदर सुंदर चीजें जो है घर की सजावट की चीजें हो या घर की किचन में लगने वाली चीलने की चीजें हो ये भी हमें दिखाई दे रही है और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे जो है बच्चों के टॉयज हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी ये टॉयज खरीदना चाहते हो, आपका भी मन हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर जो टॉयज है आपको गिफ्ट देने हैं या आपने आपको बच्चों के लिए खरीदने हैं ये भी आप खरीद सकते हो। ये देख पा रहे हो आप इतने प्यारे प्यारे टॉयज जो है यहाँ बहुत ही रिजनेबल रेट में, और रेट क्या है ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा इस मेले में और आप इस मेले में आकर इन सभी चीजों को खरीदने का भी आनंद ले सकते हो। ये देखिए आप बच्चों के लिए ले सकते हो या किसी को गिफ्ट देना है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ बहुत अलग अलग तरीके के टॉयज हमें जो है दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी टॉयज है, उसी के साथ पिलो जो है वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही जो लेडीज की जो पसंदीदा चीज रहती है पर्स हैंड बैग जिसे बोला जाता है वहाँ यहाँ हर तरीके की हैंड बैग, छोटी हैंड बैग से लेकर बड़ी हैंड बैग हमें यहाँ दिखाई दे रही है, प्यारी प्यारी हैंड बैग यहाँ हमें दिखाई दे रही है आप देख पा रहे हो। इसके साथ ही जो है यहाँ बड़ी संख्या में जो लेडीज है अपनी हैंड बैग पसंद भी कर रही है, लेते हुए हमें खरीदते हुए दिखाई दे रही है, काफी भीड़ जो है यहाँ दिखाई दे रही है और बहुत ही अच्छी अच्छी हैंड बैग जो है यहाँ लगी है। इसके साथ ही जो है यहाँ नेकलेस का हमें एक स्टॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कई तरीके के नेकलेस जो है दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि गोल्ड प्लेटेड ये नेकलेस का स्टॉल है, यहाँ आपको ज्वेलरी मिलेगी पूरी, नेकलेस हो, अंगूठी हो, कान के हो, चूड़िया हो, सब तरह की यहाँ पे बहुत ही प्यारी ज्वेलरी आपको देखने मिल रही है। आप देख पा रहे हो दर्शकों आपके स्क्रीन पे कि किस तरह की यहाँ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है ये भी दिखाई दे रही है और ये खरीदने के लिए आपको जो है यहाँ आना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ताजबाग परिसर में ये उड़ चल रहा है, वहां ये मेला लगा है और आप यहाँ आकर इन प्यारी प्यारी चीजों को खरीद सकते हो। आप देख पा रहे हो कि कई तरह की यहाँ पे जो लेडीज की पसंदीदा चीजें होती है, लिपस्टिक हो, गले के नेकलेस हो, मंगलसूत्र हो, हेयर बैंड हो, हेयर क्लिप्स हो, ब्रेसलेट हो, कान के हो, कभी कभी तो हम अपने बचपन के दिनों को भी मेले द्वारा याद कर लेते हैं और आर्यस मेले में आकर ऐसी कई यादें ताजा जरूर होंगी। यही नहीं कई नए झूलों को भी इस मेले में शामिल किया गया है, जैसे कि विंड वेल झूला, सुनामी झूला, 100 फीट ऊंचा स्क्रीन टावर झूला, तो बच्चों के लिए मेरी गो झूला और साथ ही इन सभी की सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है। मेले में सैकड़े दुकानें होती है जो विभिन्न उत्पादों को बेचती है। जो लोग मेला देखने के लिए एकत्रित होते हैं वह अपने मनपसंद चीजों को खरीद सकते हैं। गांव के मेले में आमतौर पर खिलौने फेरी वालों की दुकानें, बच्चों के लिए खेल और मिठाई बेचने वाले जैसी चीजें हैं। इसी श्रृंखला में खास बातचीत की है आरएस इंटरप्राइजेस के राकेश सबरवालिन से। हर साल हजरत बाबा ताजुद्दीन इनके उर्स के मौके पर, सालाना उर्स के मौके पर जो है मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी जो है यहाँ मेले का आयोजन किया गया है आरएस एंटरप्राइजेस की ओर से। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ बड़ी संख्या में जो है झूले जो है हमें दिखाई दे रहे हैं और कई तरह के झूले दिखाई दे रहे हैं। हर साल जो है इस मेले का आयोजन होता है लेकिन इस बार जो आयोजन हुआ है आरएस एंटरप्राइजेस की ओर से और जो आरएस एंटरप्राइजेस के
राकेश सबरवाल है, उनसे हम जानेंगे कि इस बार मेले में क्या खास है। हमें बताइए कि इस बार जो ये मेले का आयोजन किया गया है, हर साल मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस साल नागपुर वासियों के लिए मेले में क्या खास है? ये विदर्भ नागपुर के अंदर में ताजाबाद उर्स के अंदर में पहली बार जो है अभी तक के यहाँ पे नागपुर शहर के अंदर और अपने विदर्भ में अभी तक ये जो हम लोग आर्टिकल्स और जो झूले लाए हैं ये अभी तक आया नहीं है। इस बार फर्स्ट टाइम जो है फिश टर्नल और फिश एक्वेरियम जो देश विदेश से जितनी भी मच्छियां हैं, फिश जितनी भी जाति प्रजाति की मच्छियां हैं वो इसमें दिखाई जा रही हैं, और विथ एसी शो है ये, कम से कम 200 फुट लंबा शो है ये। हमने एक्वेरियम की बात तो देख ली कि एक्वेरियम में जो है देश विदेश से जो मछलियां हैं यहाँ देखने लायक है नागपुर वासियों के लिए, साथ ही साथ झूले भी हमने सुना है कि कई नए तरह के झूलों को भी आपने इस मेले में शामिल किया है, कौन से झूले हैं, किस तरह की वो राइड होने वाली है? यहाँ पे हम लोग एक झूला 4-5 झूले जो है एकदम नए लाए हैं जो अभी तक के नागपुर शहर में लगे नहीं है। बाबा ताज के उर्स पे ही इसका उद्घाटन किया गया है, और विंडमिल झूला जो यहाँ की जनता इसको फैन झूला बोलती है उसका नाम है विंडमिल झूला, और ये बहुत ही जबरदस्त झूला है, पूरी सिक्योरिटी के साथ में है, पूरे इनबिल्ट लॉक है, पूरे सेंसर लगे हुए हैं। उसके बाद में सुनामी झूला है, टोटल सेंसर लगे हुए हैं, टोटल लॉक होने के बाद में आदमी हिल भी नहीं सकता उसमें से। दूसरी बात, हमारा 100 फुट ऊंचा स्क्रीन टावर झूला लगा हुआ है, ये भी नया आइटम है। इसके साथ साथ में बच्चों का मेरी गो राउंड आया हुआ है जो हाइड्रोलिक झूला है, जिसमें बच्चे जो है घोड़े पे, हाथी पे, मिक्की माउस में अलग अलग उसमें रूप दिए हुए हैं, वो झूला जो है ऊपर नीचे जो है मूव करता है, हाइड्रोलिक झूला है, और जितने भी बाहर के झूले हैं ये सारे हाइड्रोलिक झूले हैं, और ये फर्स्ट टाइम आपके ताजाबाद उर्स में आए हैं, जिसका लुत्फ आपको उठाना चाहिए। अभी ताजाबाद का उर्स जो है कुछ ही दिनों के लिए रह गया है, और हम ये चाहते हैं इसके अंदर में गेट एंट्री टोटली फ्री है, गेट एंट्री की कोई टिकट नहीं है, गेट एंट्री फ्री है, पार्किंग फ्री है, आप लोग आकर के जो है रात को 2 बजे तक मेला चलता है, आके इसका आनंद उठाइए और अपनी इस बाबा ताज और उसकी शान बढ़ाइए। आपने बताया कि रात के 2 बजे तक ये मेले का जो है ये मेला शुरू रहता है, कितने बजे शुरू होता है, कब तक ये शुरू रहता है? संडे के दिन के मेले में लोग ज्यादा आते हैं, तो उस टाइम किस तरह से आपके यहाँ से नियोजन किया गया है? और यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजों की यहाँ पे स्टॉल लगी है, कितने स्टॉल यहाँ लगे? यहाँ पे कम से कम 200 से 250 स्टॉल लगे हुए हैं, खान पान की पूरी व्यवस्था की हुई है, खान पान के अंदर में भी एकदम एक्सपेक्टिव आपको दिखेगा, कोई फुटपाथ का आइटम या कोई भी ठेले का आइटम आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, सभी जो है पूरा बूथ के अंदर वगैरह और टोटली क्लीनिंग रहता है, दिन में कम से कम 2 बार सफाई होती है पूरे ग्राउंड की, ऊपर से चलने के लिए पब्लिक को पूरा नीचे में बारीक चूरा मुरम डाला हुआ है, और इसी के साथ में पुलिस का हमारे को बहुत बड़ा सहकार्य मिला है, जिसके अंदर में पुलिस जो है पूरा अच्छा से बंदोबस्त रखती है, पूरे राउंड अप रहता है, होमगार्ड वगैरह आते हैं, सभी ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा इसमें हमको सहकार्य मिला हुआ है, और हम लोग जो है यहाँ पे परिपूर्ण है, और पब्लिक का भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाली जो जनता बाहर की है, अभी उसके अंदर में पूरा स्टैंडर्ड लोकेशन चालू है, पूरा स्टैंडर्ड पब्लिक आ रही है, और फिश टर्नल जो है इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, नए झूलों का भी बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है, और पब्लिक जो है एक बार देख रही है, हम लोग बार बार नोट कर रहे हैं, इसको नोटिस कर रहे हैं, वो पब्लिक जो है कम से कम 3 से 4 बार रिपीट आती है, और यहाँ का जो बंदोबस्त है वो बहुत ही अच्छा और बहुत सिंसियर है, और पुलिस का जो बंदोबस्त है पुलिस का पूरा सहकार्य मिला हुआ है, पुलिस यहाँ पर रात को हमारे साथ में पूरा टच में रहती है, और अच्छे से सारा कुछ हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से आपने बताया कि पुलिस द्वारा जो है आपको काफी सपोर्ट किया गया है, यहाँ पे राउंड होता है, पुलिस का होमगार्ड यहाँ है, मुझे बताइए नागपुर वासियों को आप क्या अपील करना चाहोगे, कितने दिन तक ये मेला है, क्या संदेश देना चाहोगे? ये मेला जो है 17 सितंबर तक है, 17 सितंबर 2023 तक ये मेला है, अगर हो सकता है 5-10 दिन के लिए इसको बढ़ाया जाए पब्लिक के अच्छे प्रतिसाद पर, और हम तो जनता से ये आह्वान करते हैं कि देखिए ये सब चीजें जो हैं
काफी रेटों में बाहर के शहरों में चलती हैं। गेट एंट्री रहती है, यहाँ पे गेट एंट्री भी फ्री है, पार्किंग भी फ्री है और टिकट्स भी कोई ज्यादा नहीं है। तो आप लोगों ने इसका लुत्फ उठाना चाहिए और बाबा ताज के दर्शन करके चादर चढ़ा के अपने हर आवाज अपने पूजा का ये करना चाहिए ताकि ताजा वक्त ताजुद्दीन बाबा जो है वो सभी पे मेहरबान रहे और ये उसका आप आनंद उठाइए। 17 सितंबर 2023 इस मेले का एक्चुअली आखिरी दिवस है और अंतिम दिवस है, लेकिन हो सकता है हम इसको पब्लिक के अच्छे प्रतिसाद पे 5-10 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। तो हमने देखा कि ये मेला जो है मेले में सारी तरह की व्यवस्था है, जैसे कि अगर मेले में लोग जो आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। साथ ही साथ जो मेला है ये रात के 2 बजे तक शुरू रहता है, आप अगर शाम में आना चाहते हो या देर रात भी अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो ये मेला जो है आपके लिए घूमने के लायक बहुत अच्छा एक प्लेस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है खाने पीने की दुकानें, जो खाने की चीजें है उसकी दुकानें भी यहाँ देखने मिले, साथ ही साथ घरेलू चीजें हो, ज्वेलरी हो, चप्पल जूते ये सभी चीजें और अच्छी क्वालिटी की जो यहाँ पे जो है चीजें यहाँ हमें देखने मिली है। आप भी अगर इस मेले में आना चाहते हो, साथ ही साथ हमने देखा कि झूले हैं, किस तरह के झूले नए आए ये भी राकेश जी जो है आयोजक है इस मेले के उन्होंने बताया है। साथ ही साथ जो है एक्वेरियम जो है इसकी इस मेले की एक खासियत है वो भी यहाँ देखने मिलेगी, तो आप भी आपके फैमिली के साथ आकर इस मेले का लुत्फ उठा सकते हो। कैमरा पर्सन अजित कौर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।